5 घंटे तक डीबी अस्पताल स्थित एमसीएच की बिजली रही गुल, जनरेटर खराब, मरीज रहे परेशान। मौके पर पहुंचे सीएमएचओ व पीएमओ, आक्रोशित परिजनों नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। मुर्दाबाद हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय डीबी अस्पताल के एमसीएच में शनिवार शाम 7:30 बजे अचानक इंटरनल केबल में फॉल्ट आने के चलते पूरे परिसर में अंधेरा छा गया। इमरजेंसी में भर्ती मरीज व एमसीएच में भर्ती प्रसूताएं व नवजात शिशु भी बेहाल रहे। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से मरीजों के परिजन पेशेंट को अपनी गाड़ियों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व पीएमओ हनुमान जयपाल को आक्रोशित परिजनों ने घेर लिया व नारेबाजी करने लगे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाइश की। सिरसली के सुरेश फोगावट ने बताया कि लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण लेबर रूम में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करवाई गई है। मोबाइल का चैनल है, डिलीवरी कराई है। मायने बच्चा इतना परेशान हो गया, पूछो ना थे 28 सगड़ आ गया। गाड़िया का मायने आपका आपका टावरान लिया बैठे हैं, कहीं किन्ने बैठे हैं, कोई कठे बैठे हैं। मैं मेरा लाइव आया हूँ फेसबुक के ऊपर, मायने एकदम अंधेर गुफा कोई नहीं। एक इतना बड़े रूम के मायने मात्र एक लेडीज बैठी, जकी का सारा 12 आना रो कोई हो को नहीं। टब्बर भी कन्ने अड़ुंगो पड़ुंगो भी कन्ने हो, जब वो 12 को नहीं आस की कोई मायने नहीं, एकदम अव्यवस्था है। मोबाइल का चैनल टॉर्च का चैनल डिलीवरी हो रही, मेरे भतीजो एडमिट करा रहा साहब, वो गाड़ी बैठा रहे पंखो चला के। रतनगढ़ के सलाउद्दीन ने बताया कि वे अपने पेशेंट को डिलीवरी के लिए लेकर आए थे। ऑपरेशन से डिलीवरी होनी थी लेकिन अस्पताल में लाइट ना होने के चलते उन्हें इंतजार करने को कहा है। लेकर आया जना ऑपरेशन से बच्चों सी रतनगढ़ का ऑपरेशन थे शुरू करवा लियो, ऑपरेशन रतनगढ़ व्यवस्था को ऑपरेशन की तो अठे लेर आया का लाइट आवेगी जन ऑपरेशन होगा या बाहर आवे या सुबह आवेगी तो सुबह डिलीवरी होगी, जब तक लाइट नहीं आवे जब तक ऑपरेशन को नहीं हुआ कहानी है। कांग्रेस नेता नारायण बालान ने कहा कि इतने लंबे समय तक बिजली फॉल्ट ना सुधार पाना अस्पताल प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। जब भी मेरे पास करीब 1 घंटे पहले अपडेट आया था कि भर्ती हॉस्पिटल के एमसीएच वार्ड के अंदर और लाइट के लिए पिछले 4 घंटे से यहाँ आके मैंने देखा तो स्थिति बड़ी दयनीय थी। जनता बाहर बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में लेके महिलाएं बैठी हुई है, 4 घंटे से 5 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है और अस्पताल प्रशासन जो है मौन बैठा, एकदम कोई एक्टिविटी उनके अंदर नजर नहीं आई। मैंने यहाँ पे आके कलेक्टर महोदय को इसके बारे में अवगत करवाया तो अब जाके इन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके जनरेटर से लाइट का सुचारू करवाई है लाइट। लेकिन हमारी यही मांग है कि ये एक हॉस्पिटल की यूनिट है जो इमरजेंसी का काम है सारा, और यहाँ पे अगर 5-5 घंटे लाइट नहीं रहेगी तो छोटे बच्चे और महिलाएं यहाँ पे जो परेशान हो रही है गर्मी में, जो बच्चे 1 दिन 2 दिन 4 दिन की उम्र वाले हैं तो वो बच्चों की क्या हालत है, उन महिलाओं की क्या हालत है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं सरकार से और ऊपर बैठे हमारे मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि साहब आंखें खोलो और जो जनता यहाँ पे पीड़ित है उनकी पीड़ा को समझो, और जो भी दोषी यहाँ पे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, मैं किसी को सबको समान नजर से देखता हूँ कि कोई भी जो यहाँ पे दोषी है जिससे ये लाइट यहाँ पे गई है और ये अव्यवस्था बनी है उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। पार्षद शाहरुख खान ने बताया कि बिजली फॉल्ट आने की स्थिति में अस्पताल की बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए जनरेटर की व्यवस्था है लेकिन जनरेटर में खराबी होने के चलते सारी अव्यवस्था हुई है। ऐसे मात्र अस्पताल के अंदर लाइट नहीं थी, जो भर्ती एडमिट थे वो परेशान मरीज परेशान थे, सारे हॉस्पिटल के मरीज बाहर आ गए थे। जब मौके पर प्रशासन को बुलाया गया तो जिला सीएमएचओ और पीएमओ दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। प्रशासन को ये अपनी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय से यही मांग है, पीएमओ को और सीएमएचओ को दोनों को सस्पेंड किया जाए और भर्ती अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। 4 से 5 घंटे के बीच में लाइट नहीं थी और जो जनरेटर बंद पड़ा था, जनरेटर के अंदर डीजल भी सिविल आदमी लेके आ रहा था, नहीं कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ लेके आ रहा था, यहाँ डीजल भी जनरेटर से डीजल भी चोरी हो रहा है। तो हमारी मुख्य मांग जिला कलेक्टर से जो भी जो इस बात अस्पताल में जो कर्मचारी है जो दोषी है उनके खिलाफ सुबह कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी दोबारा घटना नहीं हो, यही हमारी प्रशासन से मांग है। अस्पताल अधीक्षक हनुमान जयपाल ने बताया कि इंटरनल लाइन में फॉल्ट आने के चलते बिजली गुल रही है, मौके पर जाकर व्यवस्था सुचारू करवा दी गई है। लोगों ने हंगामा किया, उसके लिए मैं जनता से माफी मांगता हूँ। हालांकि क्या है कि जैसे इसमें क्या कि मेन इलेक्ट्रिक पैनल में फॉल्ट आ गया था, इसके लिए हमने जेडीयू को फोन करके उनकी टीम ने चेक किया था, तो उनकी टीम ने बताया कि इसके अंदर फॉल्ट है तो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इससे क्या कि उस तरह का फॉल्ट अंडरग्राउंड हो तो रात को उस तरह से हो नहीं पाए। फिर इसके बाद हमने जनरेटर में कोशिश की, जनरेटर का एक्सपर्ट आया उसने चेक किया तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर खराब था जो कि तुरंत प्रॉब्लम से यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने किसी दूसरे जनरेटर से जनरेटर खोलने की कोशिश की, फिर वो भी हमें नहीं मिला। तो फिर बाद में हमने क्या किया कि जो ना
इसको डायरेक्ट मिस्त्री की मदद से इसको हमने डायरेक्ट किया, उसकी वजह से लाइट चालू हो गई है। और सभी बच्चे जितने भी भर्ती है FNBC पीकू निकू BNC में सब बच्चे सुरक्षित है। सब बच्चों को हमने चेक करवा लिया है, सभी डॉक्टर से हमने बात कर लिया है, सभी स्टाफ से हमने बात कर ली, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। वो क्या कि जो लाइट चली गई तो उसमें एमरजेंसी में किसी एक पेशेंट की डिलीवरी कराई गई थी, उसके लिए मोबाइल टॉर्च भी थे और बड़ी टॉर्च भी है हमारे पास में, क्योंकि जो जनरेटर खराब था इस वजह से ये जनता को असुविधा हुई। इसके लिए हम जो भी है तो इसके लिए हमने जो भी वापस समय से सही कर दिया है। और बाकी तो सुबह इसका जो मेन जो है वो लाइट से दोबारा बात करके मेन जो फॉल्ट है वो फॉल्ट सही करवा दिया जाएगा। अभी पूरी रात पर लाइट जनरेटर से चलेगी।